हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो 2022 में आईफोन 6s को बाय करें या ना करें, इस टॉपिक पे होने वाली है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, मेरे पास है आईफोन 6s स्पेस ग्रे वेरिएंट और ये जो है 32 गीग्स वाला वेरिएंट है। बेसिकली गाइज, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हमें ये 2022 में ये फ़ोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं। सो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम फ़ोन, एग्जैक्टली सेम कंडीशंस में बहुत ही सही और खूबसूरत डिवाइस है एप्पल की तरफ से ये जो फ़ोन निकाला है। आईफोन 6 और आईफोन 6s का डिज़ाइन जो है ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें कुछ फ़र्क है। लेकिन जो फ़र्क है वो दिखने में ना के बराबर है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देते हैं। तो चलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आईफोन 6s को बाय करने के कौन से कारण हैं और कौन से कारण जो हैं वो मना कर रहे हैं कि आईफोन 6 को 2022 में बिल्कुल भी नहीं बाय करना चाहिए। सो बिना किसी देरी के गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। सो अगर आपकी कोई इस फ़ोन से लेकर स्पेशल डिमांड्स हैं वीडियो में, सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दें, मे बी मैं अगली वीडियोज़ में इसकी क्वेरी को दूर कर दूंगा। सो चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी इन हैंड फील और इसकी जो है डिज़ाइन के लुक्स के बारे में। सो जैसे कि गाइज आप देख सकते हो, स्पेस ग्रे कलर में हमें जो है इसकी जो डिस्प्ले है वो ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। ये ओनली स्पेस ग्रे ही कलर है जिसमें इसका हमें जो फ्रंट पैनल है वो ब्लैक देखने को मिलता है। अगर हम गोल्ड, रोज़ गोल्ड या फिर सिल्वर की तरफ जाते हैं तो हमें ऊपर का जो पोर्शन है वो वाइट देखने को मिलेगा। ये जो ब्लैक पार्ट्स हैं वहाँ पर वाइट होंगी। सो अगर हम बैक लुक की बात करें तो साइड में हमें जो है बैक में सबसे पहले जो है कैमरा, एक सिंपली प्राइमरी मिनिमलिस्टिक सा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। उसके साथ में है एक तरह से नॉइज़ कैंसलेशन का माइक्रोफोन या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। सेकंड नंबर पर उसके हमें साथ में देखने को मिल जाती है डुअल टोन LED फ्लैश लाइट, जिसमें कि हमें जो है येलो और पिंक जो है फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। एप्पल का मानना यह है कि इसमें अगर हम पूरी लो लाइट कंडीशन में फ़ोटो क्लिक करते हैं सो जो ह्यूमन बॉडीज़ के चेहरे हैं वो बिल्कुल ही वाइटन नहीं कर देगा, बिल्कुल नेचुरल और सटल सी लुक देगा जो कि ओरिजिनल टोन्स मेंटेन रखेगा। उसके यहाँ पर साइड्स में आप देख सकते हैं गाइस, आईफोन में हमें दोनों ही तरफ के जो ऊपर और नीचे एंटीना बैंड्स देखने को मिलते हैं। गाइस ये बेसिकली एप्पल ने अपनी तरफ से अपने सिम कार्ड या सिग्नल के नेटवर्क्स को इम्प्रूव करने के लिए दिया है, लेकिन इससे जो लुक आ रही है वो काफ़ी कूल है। बेसिकली यहाँ पर दूर से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा फ़ोन पकड़ा हुआ है इन एंटीना बैंड्स के कारण। एक स्पेशल ही लुक देखने को मिलती है। और ये गाइस ऐसा नहीं है कि कोई आपके निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी एप्पल की चीज़ है, मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आईफोन 6 से कंपेयर किया जाए तो एग्जैक्टली सेम है आईफोन 6s लुक्स के मामले में। जस्ट यहाँ पर ये S दे दिया गया है। यहाँ पर 6s में हमें S देखने को मिलता है, 6 में S देखने को नहीं मिलता। सेकेंडली गाइज, यहाँ पर जो मेटल फ्रेम लगाया गया है वो और भी मजबूत किया गया है। आईफोन 6 में ये बहुत कंप्लेंट थी कि वो आईफोन पॉकेट में पड़ा पड़ा बेंड हो जाता है। आईफोन 6s में इसकी जो है और भी इसकी जो है रिजिडनेस या फिर कैसे कह लो कि इसकी मजबूती और बढ़ाई गई है। नीचे की तरफ हमें जो है हमारे जो है राइट साइड में स्पीकर वेंट्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी प्रिटी लाउड और सॉलिड क्रिस्टल क्लियर स्पीकर है। और यहाँ पर हमें लाइटनिंग पोर्ट चार्जिंग वाला, साइड में है माइक्रोफोन, साइड में है उसके हेडफोन जैक। ये जो है 6s डिवाइस एक ऐसा लास्ट में आईफोन है जिसमें हमें हेडफोन जैक देखने को मिलता है, वो भी 3.5 mm वाला। आईफोन 7 में हमें ये जो है हेडफोन जैक डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एप्पल की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपना जो है लाइटनिंग वाला हेडफोन्स निकाल दिए थे। लेकिन गाइज अब बात करते हैं आईफोन के फ्रंट साइड की। गाइज इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको 4.7 इंचेस की देखने को मिलती है 6s की। 6s प्लस की आपको मे बी 5.5 इंचेस की, वो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाएगा और बिल्कुल भी हैंडी नहीं रहेगा। लेकिन गाइज ये ऐसा है कि आपके जो फिंगर्स हैं बड़े आराम से जहां पर भी आप लेके जाना चाहते हैं, ओवरऑल एक नॉर्मल हाथ में, एवरेज हाथ में आपका 6s बहुत ही क्यूट डिवाइस है। सेकेंड नंबर पर बात करूँ गाइज, इसकी डिस्प्ले बहुत ही सही है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सनलाइट में कोई प्रॉब्लम फेस करवाएगी, बहुत स्मूथ है अगर ओरिजिनल है तो। सेकेंडली अगर मैं डिस्प्ले की अगर खासियत की बात करूं गाइज, ये ऐसा पहला आईफोन है जिसमें हमें 3D टच देखने को मिलती है। बाकी एप्पल की तरफ से इस 3D टच को फोर्स टच में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये ऐसा डिवाइस है जो कि 3D टच को स्पेशली अपने डिस्प्ले के अंदर लेके आता है। आईफोन 7 में, आईफोन 10 तक, हमें आईफोन 6s से लेकर आईफोन 10 तक जो जितने भी आईफोन्स हैं वो सारे के सारे उनकी जो डिस्प्लेस हैं वो 3D टच वाली आती हैं।
ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफ़ी फास्ट है, आपको जो है अगर आपका फिंगरप्रिंट जो जो बटन है वो पूरा क्लीन है और आपका थंब भी पूरा क्लीन है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा तो पूरा डर्ट के साथ भरा रखा है, अगर मैं इसको क्लीन करके अपने थंब को क्लीन करके खोलूंगा तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो लाजवाब लेवल की है। सो अगर मैं क्लीन थंब और क्लीन फिंगरप्रिंट रखूंगा तो उसी टाइम ये अनलॉक करेगा और बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको जो है टच आईडी के बिना पासकोड से ओपन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी डेली परफॉर्मेंस या स्पीड की। गाइस आईओएस 15.4.1 इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अभी तक चल रहा है और नो डाउट्स आगे जितने भी आईओएस 15 के अपडेट्स आने वाले हैं, मे बी 15.5 और 15.5.1 या 2 और 3, वो इसको अभी तक आने वाले हैं। गाइस 2022 में यहाँ पर एप्पल जो है लास्ट इसको जो है अपडेट रोल आउट करेगा। आई होप कि iOS 16 इस डिवाइस को नहीं मिलने वाला। सो जो भी आप प्लान कर रहे हो आईफोन 6s को बाय करने का, वो इस चीज़ से पहले ही श्योर हो जाओ कि उनको अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं चाहिए तो वो आईफोन 6s को बाय करें। लेकिन जिन्होंने शौक क्या तरफ से लेना है, शौक की तरफ से लेना है कि उनको बहुत शौक है आईफोन 6s को यूज़ करने का, सो उनकी शौक के आगे मुकाबले में कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी पैसे उनको रोक नहीं सकते। चाहे उनको आईफोन 20,000 का लेना पड़े 6s, शौक के आगे कोई भी यहाँ पर रुकावट उनकी नहीं होने वाली है। वो चाहे iOS 10 पे हो, किसी भी iOS पे क्यों ना हो, उन्होंने iPhone 6 ले ही लेना है। कैमरे की तरफ बात करें गाइस, बहुत ही डिसेंट कैमरा है। सिंपली अगर मैं बात करूँ, नेचुरल लाइट में आपकी बहुत कूल फोटोज़ ले लेगा, लो लाइट में थोड़ी सी अगर आप ह्यूमन बॉडीज़ की फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, नेचुरल ह्यूमन बींग्स की, तो आपको थोड़ी बहुत, आपको पता है कि 7 साल पुराना डिवाइस है, नो डाउट फ़र्क तो आएगा। बाकी इसकी नो डाउट क्वालिटी बहुत शानदार है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि गर्मियों के सीजन्स में आपका आईफोन सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देगा हीटिंग इश्यूज़ में, गाइस मेटल बॉडी होने के कारण प्रोसेसर बहुत हीट करता है, जिसके कारण सारी की सारी जो हीट है वो डिसिपेट होकर बाहर मेटल बॉडी भी आ जाती है, जो कि हम हाथ में पकड़ के रखते हैं फ़ोन अपना, सो वो जो फ़ोन है बहुत ही हीट करने लगता है। नॉर्मली आप डेटा कनेक्शन को ऑन करके गर्मियों के दिनों में इंडिया में अपना फ़ोन पॉकेट में डाल दोगे तो भी आपको पॉकेट में महसूस होगा कि मेरा फ़ोन गर्म हो रहा है, जिसके कारण नो डाउट आपकी बैटरी हेल्थ पर नुकसान पड़ने वाला है। सो आपको जो है सिंपली ध्यान रखना है कि आप जो है नॉर्मली डेटा कनेक्शन को भी बंद करो, या फिर सिंपली ऐसे करो कि आपका फ़ोन उस कंडीशन में रखो जहाँ पर कूल डाउन रहे। स्पीड की बात करूँ तो एवरेज ही स्पीड है आजकल, अगर हम न्यूअर आईफोन से कंपेयर करें। नो डाउट स्मूथ रहेगा एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं स्टेटस देखने को मिल जाएंगे, लैग्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ़ोन है iOS 9 से अपडेट शुरू हुआ है, iOS 9, iOS 10, 11, 12, 13 और 15 अभी तक चल रहा है। सो आप देख सकते हो कि कितना डिवाइस अभी शानदार है कि इतने सही से अपने इतने 7 साल पुराने सॉफ्टवेयर्स को भी हैंडल कर रहा है और 7 साल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को भी हैंडल कर रहा है। एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो गाइज नो कंपैरिजन, 6S हमेशा आगे रहेगा। चाहे आप लेटेस्ट आज के 20,000 वाले सैमसंग के फ़ोन या रेडमी या रियलमी एप्पल जिसके भी फ़ोन से कंपेयर करोगे 20,000 वाले सेगमेंट में, सो आईफोन 6S 7 साल बाद भी विनर रहेगा, क्लियर विनर, आपको कहीं पर भी ये झुकने नहीं देगा। 4K 60fps नहीं, 4K 30fps आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर देगा आईफोन 6S, और वो भी बहुत सही तरीके से, बहुत स्मूथ आपकी वीडियो बनने वाली है 1080 at 60fps पर। वीडियो के मामले में iPhones हमेशा ही खास रहे हैं, और अगर मैं बात करूं वीडियो एडिटिंग की, सो iPhone 6s एक ऐसी कैपेबिलिटी के आता है, ऐसी कैपेबिलिटी के साथ आता है, iOS 13 में वीडियो शूट करने के बाद हम iPhone में ही अपनी वीडियो को कलर ग्रेड या क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, जो कि iPhone 6s में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है वो आईफोन 6s के लिए बहुत शानदार चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो, हम अपनी वीडियो को विविड फिल्टर वगैरह सेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, साउंड वगैरह बंद कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बढ़िया प्रोसेसर से ही हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आप देख सकते हैं 2022 में आईफोन 6s को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने इस डिवाइस को एज अ प्राइमरी डिवाइस रख रहे हैं और आपको सॉफ्टवेयर से ज़्यादा इतना मतलब नहीं है, सो आप ज़रूर इस फ़ोन को बाय कर सकते हो। लेकिन गाइज अगर आपको सॉफ्टवेयर से 1% सा भी लेना देना है तो आप इस फ़ोन को सीधा ना है। अगर आप शौकिया तौर पर ले रहे हो तो आपको 200% इस डिवाइस की तरफ जाना है। मैंने तो दो रखे हैं क्योंकि मुझे पता है फिर भी आईफोन 6s को iOS 16 अपडेट नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी मैंने दो रखे हैं क्योंकि मेरा ये पहला डिवाइस था जो कि मुझे हमेशा मुझे यहाँ तक लेके आया है। मेरा यूट्यूब चैनल ही मुझे आईफोन 6s से शुरू हुआ था। सो आप देख सकते हैं, आई होप आपको ये जो रिव्यू है मैं काफ़ी सही से अपने जो नेचुरल पॉइंट्स बता रहा हूँगा कि मैंने इस डिवाइस को इतने साल यूज़ किया है, मुझे कैसा लगा है और आप इस डिवाइस को यूज़ करके कैसा फील करोगे। सो मेरी यहाँ पर आपसे डिमांड है कि इस डिवाइस को बजट सेगमेंट में ही बाय करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना अगर आप इस पर ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो आपको थोड़ा रिग्रेट हो सकता है। सो बेसिकली डिमांड ये है कि अगर आप पहले एंड्रॉयड से शिफ्ट हो रहे हो और आईफोन 6s को बाय कर रहे हो तो ये आईफोन को ना लेना।
अगर आप पहले भी आईफोन पे थे, 6 पे थे या 5S पे थे या फिर 7 पे थे, नो डाउट 6 भी आपको, 6S भी आपको काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाला है। 7 और 6S में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस आपको नॉर्मल थोड़ा होम बटन का फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आप 7 पे थे या फिर 6 पे थे तो नो डाउट 6S की तरफ जाओ। और अगर आपने पहले कभी आईफोन यूज़ किया है और आजकल आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, पहले भी आईफोन आपने 6 ही यूज़ किया, नो डाउट तो भी आप 6S की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपने आजकल का एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया है और आप आईफोन 6S की तरफ जा रहे हो तो बिल्कुल भी ना लेना, आपकी परफॉर्मेंस आपको ख़राब लगेगी। क्योंकि यहाँ पर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप अगर iOS पे जाएंगे तो आपको iOS का तो मज़ा आएगा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो इश्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन जो फ़ोन हीट करेगा, बैटरी लूज़ करेगा, बार बार आपको चार्ज करना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सर दर्द लग सकता है। सो इसलिए आप तभी आईफोन की तरफ जाओ जब आप शौकीन हैं, आपको फ़ोन यूज़ करना है, या फिर थोड़ा एप्पल का डिवाइस रखना है, थोड़ी अपनी क्लास बनानी है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मैंने मे बी गुड रिव्यू प्रोवाइड किया होगा। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैंने ये जो पॉइंट्स बताए हैं आपको कैसे लगे, आपके लिए क्या वैल्यू रखते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको आईफोन 6S आज की डेट में बाय करना है, 64 GB वाला वेरियंट जो मर्जी कलर हो, उसकी कंडीशन वर्किंग हो, टच आई डी वर्किंग हो, सो वो आपको 7,000 वाले बजट में बाय करना है, इससे ज़्यादा पे करोगे सो मे बी आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ। बाकी आप मिनिमम 7,000 और मैक्सिमम 7,500 तक पे कर सकते हो, मिनिमम आप 5,000 में भी आईफोन 6S को बाय कर सकते हो। और गाइज ध्यान रखो कि आपको जो है बैटरी डुप्लीकेट चलेगी, लेकिन डिस्प्ले और जो थंब प्रिंट होता है, टच आईडी होता है, वो डुप्लीकेट ना हो, या फिर टच आईडी जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो। क्योंकि 7 साल पुराना डिवाइस होने के में हम एक्सपेक्टेशंस ओरिजिनल बैटरी की नहीं रख सकते, क्योंकि ओरिजिनल बैटरी हमें ख़राब ही करेगी, नो डाउट उसकी जो बैटरी क्वालिटी है वो ख़राब ही होगी। सो बैटरी चेंज हो सकती है, लेकिन डिस्प्ले डुप्लीकेट ना हो और टच आईडी हमेशा वर्किंग होनी चाहिए, तो ही इस फ़ोन को बाय करने के फ़ायदे हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस रिव्यू को ख़त्म करना ही पड़ेगा, वरना इस डिवाइस की और जितना बोलो उतना कम है। मैंने 3 बार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी ये तो बोल दिया है, लेकिन अब आप वीडियो ख़त्म ही करनी पड़ेगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज। तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।